नमस्कार, आस्क प्लांट में आप सभी का स्वागत है। मैं यशराज, आज आप लोगों को चर दशा से भविष्यवाणी करने के बारे में बताऊंगा कि चर दशा से कैसे भविष्यवाणी कर सकते हैं। चर दशा बहुत ही महत्वपूर्ण दशा है, क्योंकि चर दशा ही वो दशा है जिसके ऊपर श्री के एन राव जी ने बहुत काम किया और चर दशा को एक नए वे में, एक नए तरीके से लेकर आए, कि जो कि काफी रिलायबल था यूज करने में और जो कि काफी सही था। और सबसे अच्छी बात है ये चर दशा की कि चर दशा बहुत ही सरल दशा है। मतलब ज्योतिष में एक बिगनर व्यक्ति भी चर दशा को बहुत ही अच्छे तरह से इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि चर दशा की बनावट ऐसी है, चर दशा के प्रिडिक्टिव रूल्स ऐसे हैं कि बिगनर टू मीडियम लेवल का ही बंदा भी इसे बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकता है। एडवांस लेवल के लोग तो इससे स्टनिंग प्रिडिक्शन कर सकते हैं। मतलब ऐसे प्रिडिक्शंस चर दशा से किए जा सकते हैं जो कि बियॉन्ड दी थिंकिंग होगी, क्योंकि बहुत ही एक ऐसी दशा है जहां पर आपकी कुंडली घूमती है। मतलब विंशोत्तरी दशा में क्या होता है, कुंडली नहीं घूमती है। विंशोत्तरी दशा में ग्रह होते हैं, ग्रह की दशा होती है, वो चीजें चलती रहती हैं। चर दशा में क्या है, कुंडली घूम जाती है। मतलब कुंडली को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट से करके देखते हैं, और इसकी वजह से चर दशा बहुत ही सरल भी होती है और बहुत स्टनिंग प्रिडिक्शंस निकल कर इससे आते हैं। और मेरा तो यहाँ तक मानना है कि अगर कोई ज्योतिष सीख रहा है तो उसे पहले जैमिनी ज्योतिष सीखनी चाहिए और फिर पराशरी पे जाना चाहिए, क्योंकि जैमिनी ज्योतिष पराशरी ज्योतिष से सरल है और वो आनी चाहिए, क्योंकि जैमिनी और पराशरी दोनों ही ज्योतिष की जो शाखाएं हैं दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। और मैं तो नहीं किसी को भी कहूंगा कि वो सिर्फ जैमिनी ही यूज करे या फिर सिर्फ पराशरी यूज करे, दोनों सिस्टम का साइमल्टेनियसली यूज करके प्रिडिक्शन निकाल कर देना चाहिए, जिसमें से जैमिनी दशा जो है वो ब्रॉडर पिक्चर और एक स्टोरी बता देती है कि ये होगा, और पराशरी सिस्टम, पराशरी दशाएं उन्हें और कन्फर्मेशन देती हैं, सटीकता से उस इवेंट को कन्फर्म करने में मदद करती हैं। लेकिन स्टोरी प्रिडिक्ट करने के लिए चर दशा बहुत अच्छी दशा है और मैं इसे बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि इससे प्रिडिक्शंस बहुत सटीक निकल कर आते हैं और कम समय में, कम मेहनत में प्रिडिक्शंस निकल कर आ जाते हैं। तो आइए टॉपिक पे आते हैं कि चर दशा से कैसे प्रिडिक्शन करेंगे। कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूँ, मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया हुआ है चर दशा के ऊपर। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको चर दशा में आप नए हैं तो आप उस वीडियो को थोड़ा देख लें कि उसमें कैसे कारक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और ऊपर भी दिया हुआ होगा। और अब मैं बताता हूँ कि चर दशा कैसे इस्तेमाल कर। देखिए, चर दशा में चर कारक होते हैं, जैमिनी चर कारक होंगे। 7 चर कारक ही लेने हैं, 8 नहीं लेने हैं। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, क्यों 8 नहीं लेने हैं वो भी मैंने बतलाया हुआ है। अब ये जो चर कारक हैं इन्हीं का उपयोग करना है और वो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे करना है। राशि दृष्टि लेनी है, ग्रहों की दृष्टि चर दशा को उपयोग करते वक्त नहीं लेनी, क्योंकि ये जैमिनी सिस्टम है और जैमिनी सिस्टम में राशियों की दृष्टि होती है। राशियों की कौन कौन सी दृष्टि होती है, जितनी भी चर राशियां हैं, मतलब मूवेबल राशियां हैं, मेष, कर्क, लिब्रा और आपका मकर राशि, ठीक है। ये जो राशियां हैं ये राशियां स्थिर राशियों को देखती हैं, ठीक है। तो जैसे मेष राशि है तो मेष राशि सिंह को देखेगी, वृश्चिक को देखेगी, कुंभ को देखेगी, ठीक है, ये इस तरह से देखेगी क्योंकि ये चर राशियां हैं। लेकिन अपने से दूसरे राशि को नहीं देखती है चर राशि, मतलब मेष से जो दूसरी राशि है वो वृषभ है और वो स्थिर राशि है, उसे नहीं देखेगी, ठीक है। तो ये चर राशियां ऐसे देखती हैं। अब स्थिर राशियां चर राशियों को देखेंगी, लेकिन जो उनके आजू बाजू वाली चर राशियां हैं स्थिर के, वो उन्हें नहीं देखती हैं। जैसे सिंह राशि है, स्थिर राशि है, ठीक है। तो इस सिंह राशि जो है वो अपने से 12वें में चर राशि आएगी, कर उसे नहीं देखेगी। और जो द्विस्वभाव राशियां हैं वो राशियां जो हैं वो एक दूसरे को आपस में देखती हैं। देखिए, ज्योतिष जो है वो बेसिक्स के ऊपर होता है। जितने भी स्टनिंग प्रिडिक्शंस निकलते हैं, जितनी भी लाजवाब और बहुत ही सूक्ष्म भविष्यवाणियां लोग करते हैं, और बहुत लाजवाब भविष्यवाणी होती है, वो बहुत ही एक अलग लेवल की होती है, उसका बेस होता है, उसका बेस जो है वो ज्योतिष का सबसे मूल सिद्धांत ही होता है, ठीक है। उसके सिवा कुछ भी नहीं होता। मतलब एडवांस टेक्निक्स जो है वो सिर्फ जो हमने बेस बनाया है उसको कन्फर्म करने के लिए है, लेकिन आपका बेस ही अगर गड़बड़ है तो फिर आप उसे नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका कन्फर्मेशन किसी काम का नहीं है। तो स्टोरी बनती है, जो प्रिडिक्शंस बनते हैं वो मूल आधार से बनते हैं, और जो एडवांस टेक्निक्स हैं वो उस प्रिडिक्शन को वो कन्फर्मेशन देती हैं और हल्का फुल्का उसमें ऐड करती हैं, ठीक है।
तो भविष्यवाणियां ऐसा ही होती है, इसीलिए राशियों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। राशियों के ऊपर मैं वीडियो बना भी रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, उसे आप देखते रहिए, राशियों का नॉलेज पढ़िए, क्लासिक्स से पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, ठीक है। राशियों का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए अच्छा खासा, अगर आप ज्योतिष कर रहे हैं, और सिर्फ राशियों का ही नहीं, ग्रहों का भी। अब उसमें बहुत सी चीजें हैं, जैसे सूर्य है, सूर्य ग्रह जो है वो चेयर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो आपके घर में चेयर्स होते हैं उनको सूर्य ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं, घर के जो बर्तन होंगे उसे भी सूर्य ग्रह जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। और उसी तरह से राशियों का भी है, आप राशियों का के बारे में अगर आपको जानना है तो मैं इस चैनल पे वीडियो बना रहा हूँ, उसे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे चर दशा को यूज करेंगे। मैंने अपने एक्सप्लेनेशन में चीजों को काफी बेसिक लेवल से फिर एडवांस लेवल तक मैं लेकर जाऊंगा। मैं 3 एग्जाम्पल दूंगा, पहले एग्जाम्पल में बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि कैसे हो रहा है, दूसरे में और एडवांस करूंगा, तीसरे में और एडवांस करूंगा, ठीक है। तो उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मैंने एक भविष्यवाणी की थी, दिसंबर 2020 में चर दशा का उपयोग किया था मैंने। वहां पर मैंने भविष्यवाणी ये की थी कि इनका रिश्ते का कुछ था, कि इनका एंगेजमेंट हो चुका था, और मैंने कहा था कि आपका एंगेजमेंट जो है, जिस इंसान से आपने एंगेजमेंट किया है वो नहीं चलेगा, ठीक है, वो रिश्ता टूट जाएगा, मुझे ऐसे दशाओं में दिख रहा था। और फिर इन्हें मैंने बताया था कि आपकी जॉब लग जाएगी, क्योंकि इनका सवाल था कि मेरी जॉब कब लगेगी। तो ये दो भविष्यवाणियां मैंने चर दशा के उपयोग से की थी, सिर्फ 7 कारक को लेकर किए थे, और भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक बैठी थी। उन्होंने कहा कि रिश्ता टूट गया, और फिर उन्होंने कहा कि मेरी सिस्टर की जॉब लग गई, आज ही पता चला है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने भविष्यवाणियों में कहा था उन्हें, और ये सही हुआ। तो अब देखते हैं कि अब ये भविष्यवाणियां मैंने कैसे की थी, कैसे आप इसको यूज करोगे। बिल्कुल बेसिक से मैं बताऊंगा अभी कि कैसे है। देखिए, इस कुंडली में धनु लग्न की कुंडली है, और दरा कारक हमारे लिए यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि दरा कारक हमारा रिलेशनशिप का है। ज्ञाति कारक जो होता है वो प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करता है, भातृ कारक भाइयों को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे मरकरी जो है वो आत्म कारक है, तो मरकरी अपने आत्मा को रिप्रेजेंट करेगा, नेटिव को इटसेल्फ रिप्रेजेंट करेगा। जुपिटर जो है वो पुत्र कारक है, तो वो बच्चों को रिप्रेजेंट करेगा इस कुंडली में। वीनस आमात्य कारक है, तो प्रोफेशनल मैटर सोशल स्टेटस को रिप्रेजेंट करेगा। सैटर्न मातृ कारक है, तो अपनी माता को भूमि को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये 7 कारक हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन यही होता है, और वो हर कुंडली में बदलते रहते हैं डिग्रियों के आधार पर, जो कि मैंने बताया हुआ है। आत्म कारक जो होता है वो सबसे ज्यादा डिग्री का होता है, दरा कारक सबसे कम डिग्री का होता है, ठीक है। तो इन्हीं कारकों को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ कि कैसे यूज करना है। कारक के साथ साथ आप पद भी यूज कर सकते हो, जैमिनी पद होते हैं, कि जैसे अब ये लग्न भाव है, तो लग्नेश जो है यहाँ से अष्टम में गया है, अष्टमेश जो है वो यहाँ पर आया हुआ है बृहस्पति अष्टम भाव में। अब बृहस्पति से अष्टम कौन सा है, तो बृहस्पति से जो अष्टम भाव होगा वो तीसरा भाव है, तो यहाँ पर आरुद लग्न आ गया, AL लिखा है ना, तो ये आरुद लग्न आ गया, तो ये पहले भाव की परछाई है, शैडो है ये, ठीक है, या फिर इसे कह लीजिए इल्यूजन है, एक तरह से ये रिफ्लेक्शन होता है हर भाव का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रिडिक्शन में, कि इसको भी यूज करना चाहिए जेमिनी सिस्टम में अपने एनालिसिस के दौरान। तो मैं ये सारी चीजें यूज करूंगा। बेसिकली मैं पहले एग्जाम्पल में सिर्फ कारक को बताऊंगा कि कारक से कैसे आप करोगे भविष्यवाणी, ठीक है। तो दशा देखते हैं क्या थी उस वक्त, इनकी दशा जो है वो चल रही है लियो की। अब देखिए, लियो दशा नवे भाव की दशा है, 9th हाउस की दशा है लियो, एंड लियो से दरा कारक की दशा है, क्योंकि सूर्य दरा कारक है इस कुंडली में। लियो को दरा कारक देख रहा है, उच्च का सूर्य देख रहा है, ठीक है, खुद देख रहा है, 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये मैरिज से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड इवेंट को दर्शा रहा है। अब हम देखेंगे कि 7th हाउस में क्या सिचुएशन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मैरिज का था, क्यों मैरिज से रिलेशन आई, क्योंकि सूर्य जो है वो 7th हाउस को भी देख रहा है। तो जब कारक देखता है ना उस भाव को, जिस भाव का वो कारकत्व रखता है, जैसे दरा कारक 7वें भाव का है, आपकी पत्नी का है, तो फिर उससे संबंधित इवेंट बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं उस दशा में, ठीक है। तो यहाँ पर तो वो राशि का भी स्वामी है और कारक खुद है, वो देख रहा है। तो पहला पॉइंट था कि हाँ इवेंट होगा, मैरिज से रिलेटेड कुछ होना है, तो ये चीज पक्का हो गया। लेकिन अब जो भावेश है वो तो छठे में गया हुआ है, अगर हम लियो को लग्ना बना दें तो ये भावेश यहाँ से छठे में आया हुआ है, ठीक है, तो ये अच्छी सिचुएशन नहीं है। और जो इस कुंडली का जो सप्तमेश है, जो कि बुध है, वो
वो जो है वो उस राशि से अष्टम में बैठा है, धनु लग्न की कुंडली में बुध सप्तमेश होता है, सप्तमेश इस लग्न से अष्टम में आ गया, तो ये निगेटिव फैक्टर है सेवेंथ हाउस के मैटर में, क्योंकि लग्न से जो सप्तमेश है वो अष्टम छठे में बैठा है, और लग्न लगन से जो जो दशा लगन से जो सप्तमेश है वो छठे में बैठा है, और जो लगन से जो सप्तमेश है वो आठवें में बैठा है दशा से। तो ये बिल्कुल बेसिक है। तो यहाँ पर मुझे दिखा कि इवेंट होगा, मैरिज से रिलेटेड होगा, लेकिन अब उसकी अगर हम और देखें डिटेल में हमने देखा तो पता चला कि ये अच्छा नहीं है, क्योंकि वो भावेश नहीं अच्छे बैठे हुए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन सी अंतर दशा चल रही थी इनकी उस वक्त। तो इनकी अंतर दशा चल रही थी उस वक्त एरीज की, ठीक है, मेष राशि की। तो मेष राशि जो है वो कुछ नया शुरू करने का है, कुछ जिंदगी में परिवर्तन, बहुत ही फायरी साइन है, बहुत ही उग्र स्वभाव की राशि है, तो ये सारी चीजें करती है। मंगल की राशि है, लड़ाई झगड़े डिस्प्यूट की भी राशि है एरीज। तो हम देखेंगे कि एरीज राशि में क्या हो रहा है। अब एरीज राशि जो है वो लगन से पंचम भाव की राशि है, अच्छे भाव की राशि है, लेकिन इसका स्वामी कहाँ पर गया हुआ है, स्वामी सप्तम में ही गया हुआ है। तो एरीज में क्या है कि पहले तो धरा कारक बैठा है, दूसरे इसका स्वामी जो है वो लगन से सप्तम में गया हुआ है। ठीक है, ये एरीज है, इसका मालिक यहाँ पर आया हुआ है सप्तम भाव में, तो यहाँ से रिलेटेड इवेंट होना है। ये मालिक जो है वो मंगल केतु के साथ में है, तो केतु अच्छा ग्रह नहीं है, इसलिए अच्छे इवेंट की संभावना कम है इस कुंडली में कि अच्छा इवेंट होगा। अब हम देखेंगे एरीज को ही लगन बना करके कि एरीज क्या, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर कुंडली घूम रही है। जैसे मैंने अभी देखा था कि धनु लगन का था, धनु लगन से अभी सिंह राशि की दशा चल रही है, तो सिंह राशि को लगन बना के देखा। फिर उसी तरह से सिंह राशि में मेष की अंदर दशा चल रही है, तो मेष को लगन बनाकर देखा कि उसमें क्या हो रहा है। फिर उसको कुंडली से भी देखेंगे, ठीक है, बहुत बेसिक है ये कि आप उसको कुंडली से कंफर्म करिए कुंडली से क्या क्या प्रभाव आ रहे हैं, फिर उस दशा से देखिए उस भाव को कि वहां पर क्या क्या प्रभाव आ रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम जब देख रहे हैं कि यहाँ पर सिचुएशन क्या है, तो हमने यहाँ पर पाया कि सेवेंथ हाउस में लिब्रा राशि है, धरा कारक लगन में है, जो कि विवाह वगैरह का कारक है, वो लगन में बैठा हुआ है, और जो यहाँ से जो सप्तमेश है वो शुक्र A6 के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, A6 रोग रिपु शत्रु इन सबों का वो स्वामी है शुक्र, तो ये अच्छा सिचुएशन यहाँ पर नहीं है शुक्र के लिए, नेगेटिव फैक्टर है। अब हम इसी को देखेंगे नवांश में भी, एक झलकी ले लेंगे नवांश में कौन कौन से ग्रह हैं, क्योंकि नवांश शादी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर जुपिटर बैठा हुआ है और ये बैठा हुआ है चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ पर ज्ञाति कारक है, अगर आपको पता हो तो चंद्रमा ज्ञाति कारक है, ये रोग रिपु ऋण ब्रेक दिखाता है, और बुध जो है बृहस्पति जो है वो पुत्र कारक है। तो पुत्र कारक और ज्ञाति कारक यहाँ पर बैठे हुए हैं, 10 अंश का ये है, 10 अंश का ये है, बहुत क्लोज है। तो मन मुटाव होने के कारण, क्योंकि पुत्र कारक आपका पंचम भाव का रिप्रेजेंटेशन है, तो वो मन मुटाव के कारण रिश्ता टूट गया यहाँ पर। ठीक है, ये बेसिक मैंने सर बताया कि कैसे आप इससे प्रिडिक्शन कर सकते हो। फिर मैंने ये भी कहा था कि इनकी जॉब लगेगी, मैंने वो क्यों कहा था, तो आइए देखते हैं। तो मैंने कहा था कि टॉरस में इनकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, तो सिंपल देखेंगे अमात्य कारक को कि अमात्य कारक प्रोफेशन के लिए है, तो अमात्य कारक टॉरस में ही बैठे हुए हैं। यहाँ पर अमात्य कारक टॉरस में बैठ के अच्छे से बैठे हुए हैं, कोई भी प्लेनेट देख नहीं रहा है, और ये लगन से छठे भाव यानी सिक्स सर्विस की भाव में है, और अमात्य कारक यहाँ पर बैठे हुए, तो सर्विस लग गई इनकी, क्योंकि अमात्य कारक का रिलेशन आ गया। कारक का रिलेशन आना चाहिए राशि से, या फिर राशि से दसवें भाव से, और राशि का भी संबंध आना चाहिए भाव से। ठीक है, तो ये जरूरी होता है इसमें। और जो इस कुंडली की जो दसवें भाव की जो ग्रह है, ठीक है, वो बुध है, क्योंकि धनु लग्न से दशमेश बुध होता है, वो बुध 11वें भाव में बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो है वो जॉब लग गई, इनकी नौकरी लग गई। तो इस तरह से बेसिक आप कर सकते हो प्रिडिक्शन चर दशा के इस्तेमाल से। अब मैं दूसरी एग्जाम्पल को बताता हूँ, दूसरा क्या था, ये जो है ये प्रिडिक्शन था कि कोविड सेकेंड वेव होगा, बहुत बड़ा त्रासदी आएगी देश में, भारत देश में, अप्रैल से मई के बीच में। मैंने कहा था होली से अब मई तक का समय बहुत बहुत खराब है इस देश के लिए, भारत देश के लिए, और वो बिल्कुल सही साबित हुआ। मैंने ये जनवरी 2021 में कहा था, 30 जनवरी 2021 का ये मेरा ट्वीट था, आप यहाँ देख सकते हो। तो ये मैंने कहा था, और ये मैंने चरदशा का इसमें इस्तेमाल किया था। चरदशा से इसे कैसे देखेंगे, अब आइए देखते हैं। तो भारत की कुंडली ही आधार है इस भविष्यवाणी की, क्योंकि भारत के बारे में मैंने कहा था। तो भारत की कुंडली में अगर हम देखें तो दशा जो चल रही है भारत की कुंडली में, वो चल रही है एक्वेरियस की। ठीक है,
ये एक्वेरियस की दशा लगी है अगस्त 2014 को, ये अगस्त 2014 को एक्वेरियस की दशा लगी है। और आप देखो कि एक्वेरियस कहाँ की राशि है, दसवें घर की राशि है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण दशा है क्योंकि दसवां घर सबसे मजबूत होता है, सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है किसी भी कुंडली में, और यहाँ से ग्रह जो है छठे घर में बैठे हुए हैं, तो ये डिस्प्यूट दिखाते हैं पूरे देश के अंदर, मतलब किचकिच लगा रहेगा। तो जैसे ही ये दशा लगी वैसे ही लैंड से रिलेटेड इश्यू हो गया, मतलब फार्मर्स का जो इशू चल रहा था ना वो होने लगा इस दशा के लगते ही। क्यों होने लगा? क्योंकि यहाँ से फोर्थ हाउस में राहु बैठा हुआ है और इन्हें इतने कारक छठे घर से देख रहे हैं, सिक्स हाउस का इन्फ्लुएंस आ रहा है इस भाव के ऊपर। तो ये मेजर दशा से देखा मैंने, महादशा से देखा। अब इसे हम फाइन ट्यून करेंगे ना, फाइन ट्यून कैसे करेंगे कि कैसा हो रहा है अंतरदशा में, कैसा हो रहा है अंतरदशा बताएगी ना इसे कि अंतरदशा में आएगा कि नहीं फल कि दूसरे अंतरदशा में आएगा। तो हमने देखा कि पाइसिस की अंतरदशा थी, एक्वेरियस में पाइसिस की अंतरदशा थी। तो पाइसिस से जो फोर्थ हाउस है ये यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है, ठीक है, पाइसिस से फोर्थ में मंगल बैठा हुआ है, और मंगल इस कुंडली में अगर आप देख लें तो ज्ञाति कारक है। ज्ञाति कारक मतलब छठे घर का, छह आठ बारह का रिप्रेजेंटेटिव, और ये दिक्कतें देने वाला ग्रह है जैमिनी सिस्टम में, जैमिनी कारक सिस्टम में। तो यहाँ पर ज्ञाति कारक चौथे घर में बैठा हुआ है और ए फोर का पद है यहाँ पर, ठीक है, ए फोर का पद है, जैमिनी पद ए फोर का है। तो ये चौथे घर से रिलेटेड इवेंट बहुत प्रोमिनेंट हो गया क्योंकि यहाँ पर जो ग्रह हैं वो पहले तो ज्ञाति कारक आ गया और दूसरे पुत्र ये ए फोर का पद आ गया। जब कभी भी ये सारे मिल जाएंगे ना किसी एक पर्टिकुलर भाव से, दशा लगन से, तो वो इवेंट प्रोमिनेंट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम मातृकारक को भी देखेंगे कि क्योंकि क्यों लैंड से हुआ, मातृकारक की क्या सिचुएशन है। तो मातृकारक जो है वो यहाँ पर फिफ्थ में बैठा हुआ है और ये मातृकारक जो है वो इतने ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, जहाँ पर सस्टेज भी है और ये सारे ग्रह हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर ये ग्रह जो है मंगल, जो कि ज्ञाति कारक है और ए फोर का पद है, ये सबसे ज्यादा निगेटिव फैक्टर इस कुंडली में रहा पाइसिस की दशा में। और पाइसिस की दशा निकलते ही मार्च में ये दशा खत्म हो गई, मामला ठंडा हो गया, काफी हद तक ठंडा हो गया, ठीक है, क्योंकि फिर एरीज की दशा लग गई। अब हम एरीज के और इसी एरीज की दशा को देखकर मैंने कहा था कि इस बार होली बहुत खराब होने वाली है और होली के बाद का समय बहुत ज्यादा खराब होने वाला है देश के लिए, मई तक विशेषकर बहुत समस्याएं रहेंगी। क्यों कहा था मैंने? क्योंकि अगर आप देखिए मेष राशि, तो मेष राशि लगन से जो कि वृषभ लगन है, यहाँ पर वृषभ लगन से बारहवें भाव की राशि है, इस राशि में ए सिक्स का पद है, इसका लॉर्ड है मंगल जो कि खुद ज्ञाति कारक है और ए फोर में बैठा हुआ है। अष्टम भाव में केतु आ गया, ठीक है, और केतु जो है वो इस लगन को देख रहा है, केतु खुद अष्टम में बैठा हुआ और इतने ग्रह जो है वो इसको देख रहे हैं, तो ये अच्छी सिचुएशन नहीं बना रहे हैं। क्योंकि पहले बात तो ये है कि अब इसमें और एडवांस कर रहा हूँ, ए ट्वेल्व यानी कि उपपद लगन ए ट्वेल्व भी होता है, तो वो इसे देख रहा है इस राशि को, ए एट इस राशि को देख रहा है, ठीक है, ये सारे के सारे ग्रह इस राशि को देख रहे हैं, केतु भी इस राशि को देख रहे हैं, ठीक है। तो इस राशि के अंदर बहुत पापत्व है, बहुत पापी राशि है ये मेष, और ये लगन से बारहवें भाव की राशि थी। तो जब यहाँ पर ए एट का भी संबंध आ गया, ए सिक्स का भी संबंध आ गया और ए ट्वेल्व का भी संबंध आ गया, पद को भी इस्तेमाल करने आना चाहिए आप लोगों को, पद कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो फिर वो इस राशि से संबंधित बहुत ज्यादा दिक्कतें दिखती हैं, ठीक है, क्योंकि ज्ञाति कारक की राशि है और यहाँ पे इतने संबंध आ गए पापी, ए सिक्स ए एट और ए ट्वेल्व ये सारे आ गए, ठीक है, और ए टू भी आ गया, मारक है, ए एट और ए टू दोनों मारक हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इनका संबंध ये बहुत ज्यादा दिक्कत दिखाता है। और अष्टम में केतु ह्यूज अमाउंट ऑफ डेथ दिखाता है, ठीक है, क्योंकि अष्टम में केतु अच्छा नहीं होता है, इतने सारे ग्रह इसे देख भी रहे हैं। अगर इसे नवांश में भी हमें देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप फोर्थ हाउस में आप कह दोगे तो फिर वो कुछ हद तक डिफिकल्ट होगा, क्लैरिटी उतनी नहीं मिलती है। लेकिन अगर हम इसे नवांश में भी देखें कन्फर्मेशन के लिए, तो नवांश में अगर आप देखो तो ज्ञाति कारक जो है वो यहाँ पे नवम भाव में बैठा हुआ है, ए एट ए फोर जो है वो इस लगन में आ चुके हैं, फिर यहाँ पर डेथ का आ रहा है, ए एट यहाँ भी देख रहा है, ए एट यहाँ भी देख रहा है, ए सिक्स भी है और ए ट्वेल्व भी है, ठीक है, और चंद्रमा केतु राहु ये सारे देख रहे हैं इसको। चंद्रमा कौन सा कारक है इस भारत कुंडली में? दरा कारक है। दरा कारक
सिर्फ वाइफ नहीं है, सेवेंथ हाउस के सारे मैटर्स है। सेवेंथ हाउस का सारा मैटर कौन सा है? सेवेंथ हाउस इज किलिंग किलर ऑल्सो, ठीक है। तो इसलिए ये इतना ज्यादा दयनीय स्थिति बन गई इस समय में, और बुद्ध भी देख रहा है, बुद्ध अष्टम से देख रहा है, गुलीक है वहां पर, षष्टेश है इस कुंडली का, मेष से षष्टेश होके मेष को देख रहा है, ठीक है। तो इस वजह से भी बहुत ज्यादा ट्रेजेडी हुई, और दशाएं थी, लेकिन चर दशा से कितना क्लैरिटी दिखती है, कितना अच्छे से आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, इजिली कर सकते हो, ये मैं बता रहा हूँ, कैसे आप जॉब टाइम करोगे इस दशा से, ठीक है। अब मैं अंतिम एग्जाम्पल लेता हूँ, ये एग्जाम्पल है, ये जॉब का मैंने प्रिडिक्शन किया था और प्रॉपर्टी का, ठीक है, दोनों ही भविष्यवाणियां सही हुई। जॉब भी इन्होंने कहा कि योर प्रिडिक्शन केम ट्रू, ही गॉट द जॉब इन फेब्रुवरी, एंड फिर मैंने बोला जून में इनकी हो जाएगी, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना था, इनका हो नहीं रहा था बहुत दिनों से, तो मैंने वो भी बताया कि इनका जून में हो जाएगा, तो 23 जून को डील क्लोज हो गई। तो अब इनकी कुंडली में देखते हैं कि कैसे ये चीजें हुई। अब अपने आंख और कान खुले रखिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा और एडवांस हो जाऊंगा इस एनालिसिस में। देखिए, इनकी दशा चल रही थी मेष की, 2019 जून में मेष की दशा लगी। मेष की दशा से अगर आप कुंडली को देखो, पहले तो मेष जो है वो सप्तम भाव की दशा है। मेष से जो कुंडली का दशमेश है वो अष्टम में बैठा है, चंद्रमा, ठीक है। निगेटिव फैक्टर जॉब के लिए ये यहीं से पता चलता है। अगर अब हम देखेंगे कि मेष में कारक कौन कौन से और कौन कौन से कारक इस मेष को देख रहे हैं, तो मेष में बृहस्पति है, केतु है, ये निगेटिव फैक्टर है। बृहस्पति कौन सा कारक है, ये डिपेंड करेगा, बृहस्पति भातृ कारक है। भातृ कारक मतलब थर्ड हाउस का सिग्निफिकेशन, थर्ड हाउस आपका 10वें से छठा होता है, तो भातृ कारक जॉब के लिए अच्छा नहीं होगा पहले पॉइंट में, ठीक है, क्योंकि वो वहां से छठा है। जब भी कोई कारक देखिए ना, तो उसको देखिए कि वो किस भाव से बुरा है और किस भाव से अच्छा है, तो उस भाव से रिलेटेड बुरा करा सकता है, उस भाव से रिलेटेड अच्छा करा सकता है, फिर भाव को देखिए, ठीक है। तो भातृ कारक है, ये छठे भाव से, छठा घर है 10वें भाव से, तो हमें ध्यान में हो गया कि 10वें घर में कुछ निगेटिव हो सकता है। अब हम 10वें घर को देख रहे हैं, तो उपपद लगन है और A4 है, उपपद लगन यानी कि A12 का पदा है, और इसे A6 और A8 का पदा भी देख रहे हैं। तो 10वें घर में इतनी ज्यादा क्राउडिंग हो गई पदों की, ठीक है, इतने सारा चीजें देख रही है, चंद्रमा भी देख रहा है और ये ग्रह भी देख रहे हैं 10वें घर को, ठीक है। अब इसमें से ये ग्रह कौन से, चंद्रमा पुत्र कारक है, शुक्र अमात्य कारक है, सूर्य आत्म कारक है, और ज्ञाति कारक शनि है, ठीक है। शनि जो है वो 10वें घर के लॉर्ड होकर ज्ञाति कारक हो चुके हैं, चौथे में बैठे हुए हैं। जब कभी भी 10वां घर का लॉर्ड चौथे में चला जाता है, तो या फिर इंसान बहुत बड़े बिजनेस में चला जाता है, बहुत बड़ी कुर्सी पा लेता है, या फिर उसकी जॉब चली जाती है, वो आराम करने लगता है, ठीक है। ये एक जनरल प्रिंसिपल है। तो इस दशा से 10वें घर का लॉर्ड जो था वो चौथे में चला गया, और अष्टमेश के साथ है, चौथे घर का मालिक अष्टम में चला गया, तो ये अच्छा संबंध नहीं समझ में आता है मेष से 10वें घर का। और ये A6, A8 और AL और ये सारे देख रहे हैं, तो यहाँ पर जॉब जाती हुई भी दिख रही है महादशा से, और जॉब आती हुई भी दिख रही है। ध्यान में रखिएगा कि महादशा बहुत बड़ी होती है, और महादशा में बहुत सी चीजें होती हैं, एक ही महादशा में जॉब जाती भी है और जॉब आती भी है, तो यहाँ पर जॉब जाना भी दिखता है और जॉब आना भी दिखता है, लेकिन जॉब की एक अच्छी सिचुएशन नहीं दिखती है, क्योंकि यहाँ पे दशमेश 10वें घर के लॉर्ड की अच्छी स्थिति नहीं है। अब हम देखेंगे अंतरदशा, किस अंतरदशा में ये सबसे ज्यादा कारगर होगा, सबसे ज्यादा निगेटिव होगा। तो इनकी जॉब जो थी वो चली गई थी पिछले साल 2020 में जून के अराउंड, इन्होंने मुझे शायद संपर्क किया था इसी पीरियड में किया था, लियो वगैरह की दशा में, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, बट अगर याद नहीं तो मैं वहां पर नहीं जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि जॉब इन्हें मिली कब, ठीक है। इन्हें जॉब मिली इस दशा में, एरीज स्कॉर्पियो की दशा में, ये 2021 में फरवरी में इन्होंने कहा कि जॉब मिली थी, तो इस दशा में इन्हें जॉब मिल गई एरीज स्कॉर्पियो। तो अब हम इसे एनालाइज करेंगे कि क्या सिचुएशन है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 10वें घर का लॉर्ड ही स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है, ठीक है, जो लगन से 10वें घर का लॉर्ड था वो स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है। ये चंद्रमा जो है वो पुत्र कारक भी है, पुत्र कारक पंचम भाव का कारक होता है। यहां पर 10वें घर में जो है वो सिंह राशि बैठी हुई है, सिंह राशि पोजीशन की राशि है, कुछ मिलने की राशि है, और स्कॉर्पियो राशि चेंज की राशि है, तो इनके जीवन में परिवर्तन हो रहा था, क्योंकि इन्हें जॉब दोबारा मिल रही थी, वो परिवर्तन अच्छा हो रहा था, क्योंकि स्कॉर्पियो का लॉर्ड खुद इसे देख रहा है
और स्कॉर्पियो का जो लॉर्ड है वो कौन है, वो मातृ कारक है, ठीक है। तो फोर्थ हाउस का कारक है, वो कुछ दे भी रहा है, लेकिन ये शनि के साथ भी बैठा है जो कि ज्ञाति कारक है, निगेटिव फैक्टर भी है। अब हम ये देखेंगे कि दसवें घर की सिचुएशन क्या है। दसवां घर योग में है, दसवां घर का लॉर्ड जो है वो सप्तम भाव में आ गया, अपने से दसवें में अच्छी सिचुएशन है, इलेवेंथ लॉर्ड के साथ भी है और अमात्य कारक शुक्र के साथ है। यहाँ पर अमात्य कारक शुक्र ही है, हाँ अमात्य कारक शुक्र है, वो शुक्र के साथ बैठा हुआ है, ठीक है। बुरी चीज ये है कि A8 और A6 का पद है जहां पर ये सारे बैठे हुए हैं इस दशा से, तो जॉब की सिचुएशन तो अच्छी दिखती है क्योंकि बैठ तो अच्छा गया, ठीक है, लेकिन क्या जॉब मिलेगी, क्या जॉब अच्छी मिलेगी इन्हें, ये थोड़ा दिक्कत में लगता है क्योंकि शत्रु राशि में है, शत्रु ग्रह के साथ में है, बुध उसका मित्र भी है लेकिन शत्रु ग्रह के साथ भी है सूर्य, और A3 का पद भी है, ज्ञाति कारक लगन को देख भी रहा है, सूर्य ये जुपिटर केतु राहु भी दसवें घर को देख रहे हैं, तो यहाँ पर जॉब मिलती दिख रही है लेकिन जॉब सेटिस्फैक्शन है वो नहीं दिखता, क्योंकि केतु भी देख रहा है जो कि सेटिस्फैक्शन देता नहीं है, छठे घर से देख रहा है, कॉम्पिटिशन मन में दे रहा है, तो यहाँ पर सिचुएशन अच्छी नहीं है उतनी 10th हाउस में, ठीक है। फिर मैंने देखा कि स्कॉर्पियो से देखते हैं, नवांश को भी देखना जरूरी है ना, नवांश में अमात्य कारक अच्छा बैठा था, तो जो D1 ने जो हमें बेस दिखाया वो अच्छा नहीं दिखाया, तो ये तो तय था कि इन्हें जो जॉब मिलेगी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन देखना था कि क्या मिलेगी भी इस सिचुएशंस के साथ, तो D9 में सिचुएशन बहुत अच्छी बनती हुई दिख रही थी, और D10 में देखेंगे कि D10 में कैसी सिचुएशन बन रही है, तो D10 में जो अमात्य कारक है इस कुंडली में वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और D10 से 10th लॉर्ड को देखना जरूरी है, तो 10th लॉर्ड जो है वो लिब्रा लगन आ रहा है D10 में भी, और 10th लॉर्ड जो है वो सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है, गेन के हाउस में है दशा लॉर्ड से, दशा राशि से, और जो अमात्य कारक है वो 11th हाउस में है, तो ये अच्छी सिचुएशन थी इस जातक की कुंडली में। और आत्मकारक सूर्य है, बुध जो है वो दरा कारक है, दरा कारक पोजीशन का कारक होता है, 7th हाउस के लिए अच्छा होगा, 10th हाउस के लिए अच्छा होगा क्योंकि वो 7th हाउस का कारक है, ठीक है। दरा कारक 4th में बैठा हुआ है और सूर्य जो है वो आत्मकारक 12वें में बैठा हुआ है, तो कुछ चेंज दिखता है यहाँ पर, आत्मकारक जहां जहां जाता है, ठीक है, जहां जहां आत्मकारक जाएगा इस बात का ध्यान रखिएगा, वो सिचुएशन बहुत ज्यादा फोकस में आ जाती है, ठीक है। तो आत्मकारक D10 में 12वें भाव में है, तो यहाँ पर परिवर्तन दिखता है व्यक्ति व्यक्ति का किसी कर्म में, ठीक है, मतलब प्रोफेशन में, तो आत्मकारक 10वें को देख रहा है, AL भी यहाँ पर है, तो अच्छी सिचुएशंस थी D10 में जिसकी वजह से इन्हें जॉब मिल गई। तो इस तरह से आप चरदशा का उपयोग करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने चीजें बताई जैसे कि आत्मकारक जहां जाता है, जैसे किसी का चल रहा है दशा और उस दशा में आत्मकारक पंचम में चला गया, मतलब कोई दशा है मेष लगन है और स्कॉर्पियो की दशा आ गई, आत्मकारक आपका पाइसिस में बैठा हुआ है तो स्कॉर्पियो से पंचम में आएगा आत्मकारक, और स्कॉर्पियो की दशा है तो वहां पर पंचम में चला गया आत्मकारक, तो आत्मा का फोकस वहां पर चला जाता है, ठीक है। तो उस चीज से रिलेटेड संबंधित आदमी काम करता है, ऐसे भी दशा देखते हैं। उसी तरह से आप दूसरों कारक को देखिए कि वो दशा से कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, वहां पर आपका फोकस है, ठीक है। ऐसे चरदशा का उपयोग करते हैं। इस वीडियो को 5-6 बार देखिएगा, बहुत सी टेक्निक मैंने दे दी है, ठीक है। और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अपना सपोर्ट बनाइए, धन्यवाद। हेलो, वेलकम टू आस्क प्लैनेट्स। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द चरदशा एंड हाउ टू यूज चरदशा इन प्रेडिक्शंस। चरदशा इज अ वेरी ब्यूटीफुल दशा एंड अ वेरी इजी दशा टू मेक stunning predictions with a lesser knowledge, and for beginners I will say that this is the best dasha to use, and not even this dasha, Gemini astrology is best who are new in astrology, because this is the system where you can learn things with a better clarity. There are few rules which works flawlessly on the charts, that's why Gemini astrology is easy but more intuitive than the Parashri astrology. But you have to be very concerned, you have your basics should be very very clear when you are using Gemini astrology, because
दैट्स वाई इट इज द एस्ट्रोलॉजी हु आर इन बिगनर बिगनर लेवल, बिकॉज देयर यू हैव टू यूज द बेसिक्स. वंस योर बेसिक्स आर क्लियर, देन यू विल यू शुड देन यू शुड मूव टू द पराशरी एस्ट्रोलॉजी विच इज लाइक मोर एडवांस वन. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर विथ योर बेसिक्स टू यूज जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, एंड बाई यूजिंग जेमिनी एस्ट्रोलॉजी योर बेसिक्स विल बी योर बेसिक्स विल इम्प्रूव एज वेल. ओके, बिकॉज जेमिनी एस्ट्रोलॉजी इज प्योरली बेस्ड ऑन द बेसिक्स ऑफ द एस्ट्रोलॉजी. That's why I like the system very much, because with some basic knowledge, even a beginner in astrology will do some stunning predictions using Chardasha. So please make sure that you watch this video till the end of it, and don't miss the any technique, because I will be giving a lot of techniques of using Chardasha in this particular video, and you will not find any such video in whole YouTube platform. Okay, this is my challenge. Now coming to the Chardasha. That how to use. I will be explaining it in three different examples, and I will use some basic stuff in the first example, little advanced in the second, and little more advanced in the third one. Okay, so that it will be easier to grasp the information from the video. So please make sure that you watch this video till the end of it. Now coming to the Chardasha. Chardasha is well researched and well modified by Shri Kiran Rao ji. And I use his method, which is because his method is totally amazing and flawless. Okay, it gives 99.99% results, and I have tested it. Many of his students have tested it. This is just amazing. And I will be using 7 Charkarakas, not 8. And I have made the video that why you should use 7 Charkarakas, not 8. If you have not watched that video, then please check the link. Or on my channel, it is present. Now see, when you are using Chardasha, you have to be very careful about the Karakas, that what each Karaka means, and Arut Padas or Jaimini Pada or Bhav Pada, whatever you say, because it is basically Bhav Pada. Technically, it is Bhav Pada. Okay, so every house has the reflection of it, and that reflection is very important in Jaimini system. There are also various methods of using Karakansh Lagna, using Arud Lagna. Okay, I am not covering all these topics. I am just giving you that how you can use the Chardasha with a simple and with a clear mindset. If you wanted to know about the Charkarakas, that what do they mean, then I recommend you to watch my video which I have made earlier on the channel. But still, I am giving you a glimpse of the Charkarakas in the examples. So this is the prediction which I made in December 2020. I made two predictions for this native, that the engagement will go negative and it will break, and you will get the job, because she was searching for the job from last 1 year and she was not getting it. So I predicted two things, and all these predictions were on the basis of the Chardasha. Later she confirmed that you are right. Toot gaya rishta means the engagement got broken. And then also in February, because prediction was of job in was of February, she said that sister has got the job. They got to know just today. Now see the horoscope. In this horoscope, you should be seeing that. So this is the Dhanu Lagna, Sagittarius Lagna native. And before explaining the Chardasha, you should be knowing the Karakas. Sun is the Dharakaraka. Dharakaraka means that every signification of the seventh house. Moon is the Gyatikaraka, means every signification of the sixth house, eighth house, and the 12th house. Mars is the Bhatrukaraka, means the significations of the third house. Mercury is the Atmakaraka. In this case, it is hidden. So, Atmakaraka means native itself. It is Atma, soul. Jupiter is the Putra Karaka, means significations of the 5th house, 9th house. Venus is the Amartya Karaka, means the significations of the 2nd house and the 10th house. This is the Venus here, because it is Amartya Karaka. Saturn is the Matra Karaka, means significations of the 4th house is Matra Karaka. Okay, these are the 7 Karakas which I will be using in the analysis. Okay, apart from the Karakas, this A11, A9, A7, A3 are the Bhav Pada.
ओके, व्हाट इज भावपदा, हाउ कैन यू कैलकुलेट, आई एम गिविंग यू ग्लिम्स ऑफ इट. सो दिस इज अ धनु लग्न, द जुपिटर इज द लॉर्ड, जुपिटर इज इन एट्थ हाउस फ्रॉम द लग्न, एंड नाउ वी विल बी काउंटिंग द एट्थ हाउस फ्रॉम द जुपिटर. सो एट्थ फ्रॉम द जुपिटर इज द थर्ड हाउस. ओके, इट इज एट प्लेसेस अवे फ्रॉम द जुपिटर, द थर्ड हाउस. सो थर्ड हाउस इज द AL, means the image of the lagna. So in this way, all these bhavpadas are calculated. There are no exceptions to be used. Okay, so this is the basic of the Jaimini system. Okay, just basic. Now I will be showing you that what was the dasha. Now see the dasha. She was running the dasha of Leo. What is Leo in the chart? Leo here is the ninth house, which with A5. Okay, and Leo is the ninth, the lord of Leo is in the fifth house, and that lord is the Jaimini Dharakaraka. Okay, Jaimini Char Dharakaraka, whatever you say, it is basically Char Karaka. Then so Surya, the sun, is the Dharakaraka. And what was the Dharakaraka? The significations of the seventh house. So when the dasha is connected with the Dharakaraka, then something to happen with the seventh house matter. Now when we are seeing the Dharakaraka, then we will have to see the seventh house lord as well from the lagna. Here the seventh lord from the lagna is the Mercury. Okay, now we will be seeing the seventh house, seventh lord from the dasha. The lord from the ninth house, because the dasha is of the ninth house here, so it is the Mercury, because dasha is of the ninth house. Because in char dasha there are the dasha of, because in char dasha there are the dasha of the rashis, the signs. Okay, so if we see that where the Mercury is in the eighth house, and Mercury is the seventh lord for the Dhanu Lagna, for Sagittarius Lagna. Okay, so it is a negative factor. Now we'll be seeing the Saturn. Where is the Saturn? Because Saturn is the seventh lord from the dasha sign. Okay, because whose dasha is running, Saturn is also in the sixth house. It is unfavorable. Okay, now we will be seeing what aspects the seventh house is receiving, which karakas are aspecting it. So moon is aspecting the seventh house. Moon is the Gyati karaka. Okay, what was the Gyati karaka? The bad karaka, a karaka which creates obstruction in your life. Okay, so the Leo dasha does not show a positive outlook of the seventh house matter. Because why seventh house matter? Because it is connected with Dharakaraka. That's why seventh house matter will be there in the dasha. Okay, now the Leo dasha is of 4 years. So whole 4 years will not be the scene. The things are not good. But when exactly the things are going to be occurred? Okay, so we will be seeing the Antar dasha. What Antar dashas the native is getting? Okay, to fine tune the timing. So what was the dasha when she got arranged? I do not know that the exact dasha, but it should be somewhere in Aquarius dasha when the engagement would have happened, because from Aquarius the seventh lord is sun again, which is Dharakaraka, and is the Aquarius is aspected by the Aquarius is the seventh house from the dasha sign. Aquarius is aspected by the Dharakaraka as well. Okay, Aquarius is the AL as well. It is falling in the seventh house from the dasha sign. That's why Aquarius would have been the dasha where she got engaged, and it got broken in the dasha of Aries. Okay, now we will be seeing the Aries dasha. Aries has the Dharakaraka. Aries was the fifth house from the dasha. The lord of the Aries will be seen. The lord is Mars, which is placed in the seventh house from the dasha of the lagna, from the dasha sign, from the lagna sign. Mars is in the seventh house with Ketu. It is an unfavorable situation for Mars and Ketu, because Ketu is a separator. Now we will be seeing the seventh house from the dasha sign. From the dasha sign, the seventh lord is Venus, and Venus is in the second house and aspected by the Gyati Karaka, also A8. So Venus has the element of A6 and A8 and Gyati Karaka. It is highly unfavorable here. Now, where the seventh lord of the lagna is from the dasha sign, Mercury is the seventh lord, it is in the 12th house. There is a loss of the seventh house matter. So, totally, when you will be seeing the dasha in this way, then you will be able to predict
that no, this is the not the dasha good for the marriage. Okay, for the events related to the seventh house, it is going to be in a trouble. It will be in some, the marriage seems to be in some trouble. Okay, now because Navamsha is the chart of the marriage, we will be seeing Aries here also. Okay, here Aries having moon, which is the Gyati Karaka for the horoscope and aspected by Mars and Mercury. They are 6th and 8th lord. Okay, so in this way, you should be analyzing a Chardasha. And it is the easiest way to analyze. First, see that what the Dasha sign, what the influence the Dasha sign is getting. Okay, then see that which houses the Karakas represent. Are the Karakas are relating to those houses? Because, for example, Dara Karaka. Okay, so you should see that whether Dara Karaka is related to the 7th house from the Dasha sign or to the Dasha sign. If it is present, then events related to the 7th house will be prominent in that Dasha. Now, once you have checked this, then check the other signification, other factors like I have shown in the video till now. Now, we will be seeing the second example. Okay, this is the second example. I predicted that India will be facing a disaster in April, May 2021. I predicted this on 30 January 2021. Okay, the date is mentioned in the tweet. Now we will be seeing that how I predicted with the use of Chardasha. Because I have used the Chardasha and I have mentioned here as well. Now you see the Chardasha here is of... Now this is the chart of India because we have to use the Independence India chart. Here we will be seeing that what Dasha the India is running. India is running with the Dasha of Aquarius. Okay, Aquarius is the 10th house from the Lagna. So because 10th house is a very important house, it is the mid heaven and very... So event related to the 10th house is prominent in this particular Dasha. And 10th house is prominent, so major changes will happen in this particular Dasha. Now we will be seeing which Karakas are aspecting the Aquarius. So Jupiter is Amartya Karaka who is aspecting the Aquarius and all these Karakas as well. So Aquarius is a very karmic Dasha for India now. The second thing which we have to see, the planets from the Aquarius. From Aquarius, 4th house has Rahu and aspected by all these and these because it is fixed sign and aspected by the movable Rashis. So the planets placed there will also have the influence on the Rashi where the aspect is coming. So 4th house matter is highlighted in whole Dasha. It is a Dasha of from 20 to 27. So the 4th house matter will be highly highlighted in all. In whole this Dasha of Aquarius for India. Okay, and this Dasha started on August 14. And you may be knowing, and you must be knowing that farmers' issue in this country has started just from the start of this Dasha. Okay, it is so scientific, it is so relatable, it is so correct. Okay, which way you can see that how Char Dasha is showing the event of the nation. Now we will be seeing that in which Antardasha, what is the Antardasha is currently running. So Antardasha will show the inner picture. Now Antardasha is of Pisces, which is the 11th house from the Lagna. And the Lord of Pisces is in the 6th house from the Lagna. And the Lord of Pisces is also 8th from the Dasha sign. 4th house has Gyati Karaka because in this horoscope of India, Mars is Gyati Karaka. Mars is placed with the A4 in the Gemini sign. So, event related to the 4th house, dispute related to the 4th house is very, very much prominent in this particular Dasha. Okay. Because the 4th lord is in the Cancer sign, which is the sign of farming. And with Moon and Mercury, all these planets, Sun, Saturn. So the issue was related to the government and farmers and many things happened until the Pisces Dasha ended on 12 March 2021. Okay, the things were very, very prominent till March. After that, they got reduced.
So you should see that how the antardasha is impacting and how the chardasha is impacting. And in similar way, you can use the chardasha in your life, that what is happening in your life present time. Okay, and you can do predictions on the basis of this. Now see that why I predicted the Aries dasha has to be a very disasterful dasha for the India. See Aries. Where Aries is from the Lagna. Aries is in the 12th house from the Lagna, which is Taurus Lagna from the 12th. It is in the 12th house with A6 aspected by A8 and Uppad Lagna. Uppad Lagna is also A12. Okay. So this Aries is not going to be very beautiful because it is aspected by A6 and A8, A12 and also Ketu. Okay. The Lord of Aries is Mars, who is Gyati Karaka. It is highly unfavorable. The 8th house is also having Ketu. A lot of things has happened in this particular dasha. Now we have to see in Navamsha. When we are seeing this in Navamsha, then A8 and A4 is in the Aries. And where are the other Karakas? Mercury is the 6th lord aspecting the Mesh Rashi, Mesh sign from the 8th house. It is unfavorable. Ketu, Moon, Rahu, all of them are aspecting this sign. It is again unfavorable. Moon is also Dara Karaka, I guess. Yes, Moon is Dara Karaka. So, Moon is Dara Karaka. Dara Karaka is what? Dara Karaka is the signification of the 7th house, which is also Death Marak. So you should see that how things are happening in this particular dasha for this nation. Rahu Ketu are most malefic. They are aspecting A8, which is death again, and with Dara Karaka, which is moon. So it is again highly unfavorable for the India Aries dasha. Now because D10 is a very important chart, we have to see D10 as well. Here also Dara Karaka is still in Lagna. And this dasha is affected by Mars, Ketu and Rahu. You should see that how Aries is afflicted in the chart. And its dasha has started. And also Aries is the third from the Aquarius. So it is again unfavorable from the Mahadasha also. So in this way you should do the analysis of the chart. Now the third example, what was that? It was the prediction of job and investment in property. And the prediction was made somewhere in May. I do not remember exactly. But it came true in February. She has given the feedback. Okay, and later on she asked about the investment in property. I predicted June 23rd, which also got fulfilled. So we will be seeing how this happened in the dasha. So this is the chart of the native. Okay, he got the job in the dasha of. Why he lost the job? Okay, first is the question, why he lost? He lost the job in the dasha of Aries. Now see the 10th house, 10th lord of the Lagna from the dasha. See the Amatya Karak from the dasha. See the 10th house from the dasha sign. Okay, so first of all, we will be seeing Aries. Moon is in the 8th house, which is the 10th lord. Now the second is the Amatya Karaka. So Aries is the 12th dasha from the Amatya Karaka. It is not favorable because 212 relation is always average. Now the 10th house from the dasha sign. 10th house from the dasha sign is Capricorn and Uppad Lagna. A12 is there, which is unfavorable. And A10 is in the 12th house from the dasha sign. So it is again unfavorable situation for the 10th house matter. The lord of the 10th house from the dasha sign is Gyati Karaka. Saturn, who is placed with the 8th lord, and the dispositor has gone to the 8th house. So it is highly unfavorable in this particular dasha. But what is the positive factor? That these planets, Mercury, Venus and Sun, are aspecting the dasha sign, aspecting the 10th house. Okay, so it is a favorable situation from the Aries. Why he got the job? Because benefic influence are also coming here. Okay. And Mahadasha is of 3 or 4 or 10 years. Okay, and you cannot be idle for such a long period if the Mahadasha is having some good influences on the particular house. Now we will be seeing in which Antardasha
he got the job. Okay, because some benefic influence are coming in the 10th house. Now he got the job in the dasha of Scorpio. Okay, he got the job in the dasha of Scorpio, where the Scorpio is. Scorpio is in the 8th from the dasha sign. So it is a transformation. Scorpio is the second from the Libra. So some gain is there. But remember that it is 8th from the dasha sign. It is not good. The Scorpio is aspected by Mars and Saturn. It is again not very good, because Gyati Karaka is Saturn and Mars is Matra Karaka. So it is not very good. Now we have to see Mercury, Sun and Venus, which are in the 7th house. And the 10th from the dasha sign is Sun, who is placed with these planets, which are good. And there are few positive yogas forming in the 7th house, A8 and A6, but present there. Amata Karaka is very important. It has to be in a very good situation for the gain of the job. So Amata Karaka is in the 7th house with the 10th lord. So it is a good factor here, which we are seeing that Amata Karaka is in a good situation, and it is associated with the 10th house matter. 10th house lord. Now we will be seeing this particular dasha in the D10. You should also see that A6 and A8 are there. That's why he will not be get the job of his liking. Okay. So we have to see Antardasha in D10, whether D10 shows this event or not. See that Amata Karaka is important. Amata Karaka is in the 11th house. So it is a beautiful situation for the 10th house matter. Where is the 10th lord? 10th lord from the dasha sign is in the 12th house and is aspecting the 10th house. So it is a very positive factor here for the 10th house matter, because the lord is aspecting, and the Ketu and Mars, they are also aspecting. That's why the job was not of his satisfaction. But why he got the job? Because Venus was in the 11th house, and I have told the lady that you will get the job but not of the satisfaction. So please do not ignore the job if the satisfaction is not there. Okay, accept it. That's why they have accepted and they have followed the advice of the astrologer. Okay, otherwise they would have been zero till the date, because situation was not very good. The job was there, but with some difficulty, with some compensations. Okay, so in this way, you should do predictions in using Chardasha. Now the second event which I have predicted, that getting the property investment, that of property. So you should see that that happened in the Capricorn Aries. Okay, now we will be seeing Capricorn Aries in the D1. Capricorn is the dasha, which is the 4th from the Lagna. Okay, it has A4, A12. A12 could be investment in such cases, if it is aspected by so many good planets, Amata Karaka and all these Karakas. Okay, now where is the 4th lord is? Okay, 4th lord is Matru Karaka, and they are conjoined here. Okay, Matru Karaka, which is the 4th lord also, and Saturn is the Lagna lord for this dasha sign. They are conjoined in the 7th house. So the event of property was related to the wife. She invested in property, and this deal was done just in the dasha of Aries Capricorn. Okay, Capricorn was the 4th house dasha from the dasha sign. So in this way, you have to connect the dots. Okay, and you should predict. So in this way, you should do predictions with the help of the Chardasha, and it is very beautiful. It is very easy to do. There is no such major rules. Whatever I have explained is the 80% of the Chardasha. Okay, there are few tidbits and few common sense which we have to use. Okay, in predicting the any dasha. Okay, that I cannot teach you. Okay, but I have given almost 70-80% of the techniques of the Chardasha. There are a few left, but that are very advanced one. I may share when I will get such audience. So please subscribe this channel. I hope that you would have liked the video. Okay, share the video to the relevant ones, and please help me to grow this channel. Thank you.